तो भाई यही होता है जब पिच, किस्मत और मौसम चीज़ें साथ ना दें। और हर दफ़ा नहीं होता कि यार हर कोई बिक जाता है, और ज़रूरी नहीं होता है कि यार ऑस्ट्रेलियन टीम भी जो है वैसी टीम निकलेगी। ना आपके टॉस ने आपका साथ दिया, ना अंपायर के डिसीजन ने जो है वो आपको अच्छी राह दिखाई। मतलब कोशिश तो बहुत थी लेकिन फिर भी कोई काम ना आया। कहते हैं ना कि जब वक्त ही बुरा हो तो ऊंट पे चढ़े हुए को भी कुत्ता काट लेता है, तो ऐसे ही कुछ जो है वो हुआ है आज इंडिया के टीम के साथ। और आज वर्ल्ड कप का बड़ा मैच फाइनल, इंडिया हार गया। हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, आज इंडिया जो है वो मैच हार चुका है फाइनली, और फाइनली फाइनली करते करते वो फाइनल मैच हार चुका है मेरे भाई। इंडिया प्रॉपर जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारा, लेकिन हारा तो क्या हारा, वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बना गया। खैर जी, इंडिया की किस्मत खराब थी, या ये कह लें कि आज जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो इंडिया के साथ नहीं थी। शुरू में टॉस हारे, किस्मत इतनी रूठी हुई थी कि विराट कोहली भी आज नहीं चले, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल का इन्होंने जो है वो इतना बड़ा जो है वो हवा क्रिएट किया हुआ था, शुभमन गिल भी आउट हो गए। इसलिए कहते हैं कि यार इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कि शुभमन गिल इसकी जगह ले लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। देखिए प्लेयर वही होता है जो बड़े मैच में चले, और आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया की बैटिंग साइड जो है वो बिल्कुल नहीं चली। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने दबा के जो है वो उनको पीटा है, और सही बदला उतारा उन्होंने जितने भी जो है वो उनके बदले रहते थे। खैर जी, इंडिया जो है वो आज मैच हार गया। मैच हारने की सबसे बड़ी वजह जो मुझे दिखती है वो ये कि यार उनकी बैटिंग जो है वो आज फ्लॉप हुई है, और फ्लॉप क्या हुई है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। ना आपके जो है वो रोहित शर्मा को मतलब वही स्टाइल में वो खेल रहे थे जैसे वो खेलते हुए आ रहे, उन्होंने अपनी विकेट बचाने की कोशिश नहीं की। चलो उनकी एक माफ़ी दे देते कि चलो यार रोहित शर्मा जिस स्टाइल में खेलता है वो खेल लिया, एक कोहली नहीं चला आपका तो आपकी जो है वो पूरी टीम जो है वो डाउन हो गई। मतलब कि अगर कोहली को हटा दिया जाए तो इंडियन बैटिंग लाइनअप कुछ भी नहीं है, और गिल को जो है वो वैसे भी जो है वो अगर वो गिल के आप रिकॉर्ड देख ले पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो नहीं चलता। मतलब जहां पर प्रेशर होगा वहां पर गिल भी नहीं चलेगा, आपकी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, और इस तरीके से मैच हार जाएंगे। यार जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, कर रहा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो है वो पिच पे जिस तरीके से वो नजर आ रहे थे, फील्डिंग के टाइम जिस तरीके से नजर आ रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया गई हुई है वहां पे खेलने के लिए। सिवाय शोर के मुझे जो है वो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही यानी कह लें कि दबी हुई बॉडी लैंग्वेज थी, डरे हुए लग रहे थे मुझे, और इसी वजह से जो है वो ये डर उनका जो है वो टोटली पूरे मैचेस में दिखा। बॉलर थे शुरू में बड़ा अच्छा दिखाया, लेकिन जो है वो शमी ने जो है वो सबसे पहले जो है वो बॉलिंग अटैक पे जो है वो एक विकेट ली, उसके बाद जो है वो थोड़ा लग रहा था कि हाँ यार इंडिया जो है कमबैक कर रहा है। बुमराह ने भी सेकंड विकेट ले लिया, लेकिन जब थर्ड विकेट पे जो है इतनी लंबी पार्टनरशिप के यार आप पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं कर सके, और आप ये कहते हो कि यार हम वर्ल्ड नंबर वन बॉलिंग साइड हैं, और फिर बॉलिंग साइड होने के बाद भी आप इतने आराम से जो है वो वर्ल्ड कप दूसरों के हाथ पे दे देते। खैर जी, एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन ये है कि यार अगर इंडिया ये मैच जीतता या ऑस्ट्रेलिया जीतता इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार एटलीस्ट जब इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, इतनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था थ्रू आउट वर्ल्ड कप, तो इंडिया को चाहिए था कि यार इस बड़े गेम के लिए जो है बड़ा प्लान तैयार किया जाए। और इंडिया की हमेशा जो है किस्मत यही रहती है कि बड़े मैचेस में वो आउट हो जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो बहुत सारे इनके कैप्टन्स भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टेम्परमेंट चाहिए होता है, और आपको जो है वो ठहराव चाहिए होता है, और डिसीजंस चाहिए होते हैं जो कि बड़े मैचेस में दिखते हैं। देखिए आपका होम ग्राउंड था, आपने बड़े अच्छे से वहां पे परफॉर्म किया, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स थी, उन बेनिफिट्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ना पिच साथ दे रहा आपका, आज आज टॉस ने भी साथ नहीं दिया आपका, टॉस आप हार गए, इंडिया को बैटिंग करनी पड़ी, इंडिया ने बैटिंग बड़ी मुश्किलात में की है, और 240-41 रन क्या होते हैं यार, इतनी मुश्किलों से जो है उन्होंने 240-41 रन किए हैं। और उसके बाद जो है वो बॉलिंग साइड पे भी जो है वो शुरू में स्पार्क दिखा, उसके बाद तो बिल्कुल ही मध्यम से हो गए थे।
आपकी बॉडी लैंग्वेज आज नहीं लगी कि यार आप जो है वो मैच जीतने के लिए आए थे, सॉरी टू से, लेकिन आज जो है वो आपकी किस्मत भी साथ नहीं थी। आज जो है वो हर तरीके से किस्मत, चीजें, वक्त और सारी चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। और जिस तरीके से, जिस टेम्परमेंट के साथ वो खेल रहे थे मैच, वर्ल्ड कप यार उनका ही बनता है, नो डाउट। फिर चाहे आपके साथ आपकी पब्लिक हो या आपका अपना होम ग्राउंड हो, लेकिन आप जब माइंड सेट आपका स्ट्रांग होगा, आप जब खेलने के लिए आए, आप सोच कर आए कि यह मैच हमें जीतना है, तो फिर आपको जो है वो अपना टेम्परमेंट ग्राउंड के अंदर दिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ जो है वो एक बड़ा इवेंट हमारा जो है वो ख़त्म, इख्तिताम पजीर हुआ, और इंडिया पूरे मैचेस में जो है वो जीतता हुआ आया। आखिर का मैच, फाइनल मैच हार गया। खैर जी, आप लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं पाकिस्तानी बड़ा जो है वो खुश हो रहा हूँ और इस बात पे, तो मैं, मुझे खुशी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही होती है इंडियन की तरफ से पाकिस्तानियों को, या पाकिस्तानियों की तरफ से इंडियन को, वो एटलीस्ट कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी बाहर गया, बहुत पहले चला गया, नो डाउट। हमारी तो टीम ही बेकार थी ना, लेकिन इंडिया जिस तरीके से जीत रही थी, उस तरीके से जो है वो इंडिया को विन करना चाहिए था, लेकिन यार आप लोगों की किस्मत खराब थी। खैर जी, आज जो है वो बड़े डिसीजंस होंगे वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद देखते हैं कि इंडिया की टीम में क्या चेंजेस आएंगी। खैर जी, लेकिन ये है कि अब जो है वो ये इवेंट और ये मौका और ये एक तरीके से पूरी जो है वो टीम की यूनिटी बहुत कम देखने में आती है, और ये पाकिस्तानी टीम में पहले थी, लेकिन अभी पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल नज़र नहीं आई, और ये इंडियन टीम में अभी दिखी मुझे, और ये शायद अगली दफ़ा दिखे या नहीं दिखे। लेकिन जी, इंडिया मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन दोबारा से बन गया। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।